जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों दोस्तों आज है 10 अप्रैल 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे और स्टैटिक होंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम एक स्टैटिक टॉपिक को कवर करेंगे, फिर हम आज के करंट अफेयर के सेशन को शुरू करेंगे। दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। दोस्तों आज का जो हमारा स्टैटिक टॉपिक है वो भारत की प्रमुख परियोजनाएं, भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और पहला परियोजना है आपका भाखरा नांगल परियोजना। कौन सा परियोजना मेरे दोस्तों? तो भाखरा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। कौन से नदी पर है? सतलज नदी पर है भाखरा नांगल परियोजना। और यह किस राज्य में है? तो याद रखना ये 4 राज्यों में है मेरे प्यारे लाल एवं लाली को। कितने राज्यों में है? ध्यान से सुनो, 4 राज्य में है। कौन कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में है। दोस्तों ब्यास परियोजना, कौन सा परियोजना? ब्यास परियोजना जो आपका है ये ब्यास नदी पर है। किस नदी पर है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों? मेरे दोस्तों किस नदी पर है? तो यह जो आपका है ब्यास नदी पर है और यह भी यही सब राज्य में है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो दोस्तों देखो अगला हमारा है पोंग बांध या पोंग डैम या पोंग परियोजना। ये ब्यास रिवर पर है और किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। किस राज्य में है मेरे प्यारे लाल? तो हिमाचल प्रदेश में है, याद रखना हिमाचल प्रदेश में है पोंग बांध। पोंग है ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। चमेरा जल विद्युत परियोजना कौन सा मेरे दोस्तों? तो चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है यह है रावी रिवर पर, हिमाचल प्रदेश में। देखो पोंग बांध और चमेरा, पोंग और चमेरा हिमाचल प्रदेश में है, पोंग ब्यास पर है और चमेरा रावी नदी पर है। इस तरह से याद रखना मेरे भाइयों। चमेरा किस राज्य में है दोस्तों? तो चमेरा है हिमाचल में और पोंग भी है हिमाचल में। थीन बांध रावी नदी पर है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर में है मेरे प्यारे दोस्तों थीन बांध रावी नदी पर। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों मेरे पोंग बांध, कौन सा बांध मेरे प्यारे लाल एवं लालियों? तो पोंग बांध, ध्यान से सुनो, पोंग बांध, चमेरा जल विद्युत परियोजना और थीन बांध नाथपा झाकरी परियोजना, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। किस नदी पर है मेरे दोस्तों? भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में है। और टनकपुर, ये काली नदी शारदा नदी पर है, उत्तराखंड और नेपाल में है टनकपुर डैम। माता टीला बेतवा नदी पर है, मध्य प्रदेश और यूपी में है। माता टीला भाइयों कहां पर है? तो मध्य प्रदेश और यूपी में है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों भाखरा नांगल परियोजना और ब्यास परियोजना हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में है। चमेरा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। थीन बांध हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में है। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। टिहरी बांध भाइयों उत्तराखंड में है। टनकपुर उत्तराखंड नेपाल में है। माता टीला मध्य प्रदेश यूपी में है। और दोस्तों मैंने नदियों के नाम भी बताए। देखो दोस्तों चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, महत्वपूर्ण है। किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। मयूराक्षी नदी पर। किस नदी पर मयूराक्षी? तो मयूराक्षी नदी पर है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। कहां दोस्तों? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। गांधी सागर परियोजना है चंबल नदी पर। गांधी सागर परियोजना किस नदी पर है मेरे भाइयों? तो चंबल नदी पर है। और किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है गांधी सागर परियोजना। चंबल नदी के किनारे ही मेरे दोस्तों, चंबल रिवर के किनारे ही कोटा शहर बसा हुआ है। चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो कोटा बसा हुआ है चंबल नदी के किनारे, याद रखना भाई मेरे भाइयों। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान में है। मंडी परियोजना है ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में। मंडी परियोजना किस नदी पर है? ब्यास नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। कामेंग जल विद्युत परियोजना कामेंग नदी पर अरुणाचल प्रदेश में है।
कामेंग जल विद्युत परियोजना, कामेंग जो है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक है। किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की। और कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। तिलैया परियोजना, कौन सा परियोजना मेरे दोस्तों? तिलैया परियोजना जो है ये बराकर नदी पर है। किस नदी पर है? बराकर नदी पर है और झारखंड में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में। तुलबुल दुलहस्ती ये दोनों जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल झेलम है, दुलहस्ती चिनाब में है। दुलहस्ती किस रिवर पे है? चिनाब पे। तुलबुल किस रिवर पर है? झेलम रिवर पर दोस्तों, और दोनों जम्मू कश्मीर में है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। सतलज परियोजना भी चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। तो मैंने बताया सतलज, बगलिहार, तुलबुल और दुलहस्ती परियोजना ये सब जम्मू कश्मीर में है मेरे प्यारे दोस्तों। पोचमपाद परियोजना, पोचमपाद परियोजना भाइयों ये गोदावरी रिवर पर है कर्नाटक पर में दोस्तों। मालप्रभा परियोजना, मालप्रभा, मालप्रभा रिवर पर कर्नाटक में है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर है। जबकि मेरे प्यारे लाल एवं लालियों याद रखना सौ रिहंद परियोजना सतलज नदी पर हरियाणा में है। मेरे दोस्तों कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर तमिलनाडु में है। दोस्तों मेटूर बांध ये किस रिवर पर है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि मेटूर बांध किस रिवर पर है। तुंगभद्रा परियोजना तेलंगाना और कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा रिवर पर है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। तो बगलिहार जम्मू कश्मीर, सतलज जम्मू कश्मीर, पोचमपाद कर्नाटक, मालप्रभा कर्नाटक, रिहंद उत्तर प्रदेश, सौर रिहंद हरियाणा, रिहंद उत्तर प्रदेश, कुंडा तमिलनाडु, तुंगभद्रा तेलंगाना कर्नाटक, नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। मेरे भाइयों फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है और उकाई परियोजना दोस्तों ताप्ती नदी पर गुजरात में है। काकरा पारा, उकाई, ताप्ती गुजरात, याद रखना काकरा पारा और उकाई ताप्ती रिवर गुजरात में है दोस्तों। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी कर्नाटक में है। घाट प्रभा परियोजना भी दोस्तों है घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में, और हिडकल परियोजना दोस्तों घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में है। कंगसावती परियोजना, कंगसावती सही करें ना, कंगसावती परियोजना कंगसावती नदी पर पश्चिम बंगाल में है। और गिरना परियोजना गिरना रिवर पर महाराष्ट्र में है। भाइयों गिरना परियोजना दोस्तों गिरना नदी पर किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। मेरे भाइयों मैंने आपको आज करवाया स्टैटिक टॉपिक हमारा परियोजना। तो इस तीन प्रश्नों का जवाब मेरे लाल एवं लालियों आप कमेंट बॉक्स में दे दो कि फरक्का परियोजना किस राज्य में स्थित है, पोचमपाद परियोजना किस राज्य में स्थित है, बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर में है और किस नदी पर है, ये आप बता दो मेरे लाल एवं लालियों कमेंट बॉक्स में। भाइयों अब हम आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है आज का, द आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? द आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक दोस्तों है सैम पित्रोदा। कौन है दोस्तों? सैम पित्रोदा है द आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक। किनके द्वारा लिखा गया है द आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी? तो सैम पित्रोदा के द्वारा लिखा गया। भाइयों याद रखना सैम पित्रोदा के द्वारा। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बूथ रबता वेबसाइट लॉन्च किया है? देखो एक जगह आपका है मालेरकोटला जिले में चुनावी संबंधित जानकारी के लिए किस राज्य ने बूथ रबता वेबसाइट लॉन्च किया है? तो पंजाब ने लॉन्च किया है मेरे लाल एवं लालियों। अब पंजाब ने क्या लॉन्च किया है? बूथ रबता। भाइयों चुनाव आयोग दोस्तों, चुनाव आयोग ने सी विजिल ऐप लॉन्च किया था। चुनाव आयोग ने सी विजिल ऐप लॉन्च किया था दोस्तों, याद रखना चुनाव आयोग ने सक्षम ऐप लॉन्च किया था। और अभी पंजाब ने क्या किया है? तो मालकोटला जिले में चुनावी संबंधित जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च किया है। अब पंजाब के बारे में तो जानेंगे ही दोस्तों। देखो दोस्तों हरियाणा जो आपका है हरियाणा, यहाँ पर दोस्तों सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है? हरियाणा में। भाइयों देखो पंजाब को बोलते हैं रोटी की कटोरी। रोटी की कटोरी किसे बोला गया है? पंजाब को बोला गया है। पंजाब को बोला गया है मेरे लाल एवं लालियों
पांच नदियों की भूमि, पांच नदियों की भूमि किसे बोला गया है? तो पंजाब को बोला गया है। मेरे भाइयों हिमाचल प्रदेश में है नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है नाथपा झाकरी परियोजना भाइयों। और यह किस रिवर पर है? तो सतलज नदी पर है। किस नदी पर है यह? तो सतलज नदी पर है नाथपा झाकरी परियोजना। दोस्तों गुजरात तो आपका है, गुजरात में है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है यह किस राज्य में है? गुजरात में है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों अब हम जानेंगे पंजाब के बारे में कि पंजाब से आपका क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। सबसे पहले दोस्तों तीन चीजें तो आप याद ही रखना कि राजधानी यहाँ की चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। दोस्तों चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? यहां से एक प्रश्न आपका महत्वपूर्ण वाला निकल के आता है, तो याद रखना चंडीगढ़ का वास्तुकार जो थे वो थे ली कार्बूजियर। कौन थे मेरे दोस्तों? ली कार्बूजियर। और ली कार्बूजियर जो थे ये थे फ्रांस के। दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति ही इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, तो जरा आप बता दो कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? मेरे भाइयों यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। कौन है गवर्नर? बनवारी लाल पुरोहित। और मुख्यमंत्री है भगवंत मान। दोस्तों मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाता है राज्यपाल। और मेरे प्यारे लाल एवं लालियों राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा मेरे लाल एवं लालियों? तो राष्ट्रपति के द्वारा। पंजाब में राज्यसभा 7 है और लोकसभा 13 है। दोस्तों अगर आपसे पूछ दे कि कहां पर राज्यसभा 7 और 17 है, तो असम में राज्यसभा 7 और 14। दोस्तों असम में राज्यसभा 7 और 14 है, जबकि तेलंगाना में मेरे दोस्तों 7 और 17 है राज्यसभा लोकसभा सीट। अबोहर वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में है। हरिके लेक वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है मेरे दोस्तों? तो पंजाब में। और मैंने तुरंत बताया था आपको रंजित सागर बांध रावी नदी पर पंजाब में है। कंजली झील, रोपर झील, हरिके झील पंजाब में है। कंजली, रोपर और हरिके। भारत की रोटी की कटोरी पंजाब। स्वर्ण मंदिरों का शहर अमृतसर। बगीचों का शहर मेरे दोस्तों कपूरथला को कहा गया है, पंजाब का ही शहर है। पांच नदियों की भूमि पंजाब। और झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास दोस्तों ये सब नदियों मिलके पंजाब का निर्माण हुआ है। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। दोस्तों मैं आपको करंट अफेयर तो बताता ही हूँ, साथ साथ स्ट्रैटेजी बताता हूँ ताकि आपके किसी भी एग्जाम की करंट अफेयर की और विद स्टैटिक की संपूर्ण तैयारी हो सके। इसलिए मेरे दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और जितना बार हो सके रिवीजन करो। जितना रिवीजन करोगे उतना आपको भाइयों मेरे याद होगा, तो याद रखना बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो आपको अच्छे से देखना है भाइयों। अब देखो गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर संयंत्र पंजाब में है। आपको पता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब में ही हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। और इसकी जांच के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी? हंटर आयोग की स्थापना की गई थी मेरे दोस्तों। किस आयोग की स्थापना की गई थी? हंटर आयोग की। बन गया कि नहीं? अभी कहा आधुनिक हुआ है, आधुनिक हुआ है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो देखो हाल ही में किस देश में भारत को पीछे छोड़ते हुए रूस से सर्वाधिक क्रूड ऑयल का आयात किया है? भारत को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश है जो रूस से सर्वाधिक क्रूड आयात किया है भाइयों? क्रूड ऑयल, तो याद रखना चीन। अब मेरे दोस्तों चीन, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। भाइयों चीन की सीमा जो लगती है वो सर्वाधिक देशों से लगती है, तो आप बता दो चीन की सीमा सर्वाधिक कितने देशों से लगती है? भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है उसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो लाइन है उसे डुरंड लाइन कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। फ्रांस की राजधानी है पेरिस
और फ्रांस की करेंसी क्या है दोस्तों, तो ये बता दो आप कमेंट बॉक्स में कि फ्रांस की करेंसी क्या है। ब्रिटेन की राजधानी दोस्तों क्या है, लंदन है, और ब्रिटेन की करेंसी क्या है, तो पाउंड स्टर्लिंग है। जापान की राजधानी है टोक्यो, और जापान की करेंसी है जापानी येन। देखो अब रूस, तो देखो रूस जो है वो कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना दोस्तों। रूस जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अंतरिक्ष में जो जाने वाला प्रथम व्यक्ति था उसका नाम है मेजर यूरी गागरिन। क्या नाम है दोस्तों, मेजर यूरी गागरिन है। और याद रखना मेजर यूरी गागरिन कहां के थे, तो रूस के ही थे। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति, तैरने वाला है लेनेवो। तैरने वाला कौन है दोस्तों, लेनेवो, अलेक्सी लेनेवो। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है, टेरेसकोवा, वैलेंटिना टेरेसकोवा जो है वो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। रूस के राष्ट्रपति रहते हैं क्रेमलिन। अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं व्हाइट हाउस में मेरे दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं, व्हाइट हाउस में दोस्तों। पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहते हैं एवाने सदर में। फ्रांस के राष्ट्रपति रहते हैं एलेसी पैलेस में। और भारत के राष्ट्रपति रहते हैं राष्ट्रपति भवन में। तो देखो रूस का राष्ट्रीय चिन्ह है रस, डबल हेडेड ईगल दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस, और सबसे लंबा नदी मुहाना है ओब नदी का मुहाना, जो कहां पर है, रूस में है। सबसे बड़ी झील जो दुनिया की है वो कैस्पियन सागर झील है। कैस्पियन सागर झील रूस में है, कजाकिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में है, अजरबैजान में है, और ईरान में फैला हुआ है कैस्पियन सागर झील वायु। सबसे गहरी झील है बैकाल झील। रूस के संसद का नाम क्या है, ड्यूमा। दोस्तों मैंने एक आपको टॉपिक दिया था संसद, स्टैटिक टॉपिक हमारा स्टार्टिंग में संसद था, तो आप जरा बता दो तो संगडू, तो संगडू मेरे लाल एवं लाली हो, या किस देश के संसद का नाम है, तो संगडू ये आप बता दो। अब देखो ओनेगा झील कहाँ है, रूस में है। ओनेगा झील कहाँ पर है, रूस में है मेरे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है सागर कवच 2024। सागर कवच 2024 तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है। सागर कवच 2024 तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन मेरे लाले ये कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है लक्षद्वीप में। कहाँ हुआ है, लक्षद्वीप में दोस्तों। लक्षद्वीप के बारे में जानेंगे तो हम देखो बगल में ही मैंने आपके लिए कहा हूँ लक्षद्वीप। तो देखो मेरे दोस्तों गोवा, गोवा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर है दूध सागर झरना मेरे भाइयों। दूध सागर झरना कहाँ पर है, तो ये गोवा में है मेरे भाइयों। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर दिखता सही से नहीं है, तो आप क्वालिटी को बढ़ा लो। वीडियो क्वालिटी बढ़ाओगे आप तो आपको ऑटोमेटिक दिखेगा। तो आप ध्यान से दोस्तों वीडियो क्वालिटी बढ़ा के देखो, कम से कम 360 पे देखो, फिर आपको अच्छे से दिखेगा। अब देखो गोवा में ही है नंदा झील। नंदा झील मेरे लाले एवं लालियों कहाँ है, नंदा झील तो गोवा में है। अंडमान निकोबार में है महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। और तमिलनाडु में है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। मैंने तमिलनाडु से एक प्रश्न बताया था करंट अफेयर में कि सार्क के शरीरों का अवैध व्यापार करने में, सार्क मछली के शरीरों का अवैध व्यापार करने में तमिलनाडु जो है वो प्रथम स्थान पर है। अब लक्षद्वीप दोस्तों, लक्षद्वीप देखो दोस्तों ये आपको यहाँ पर छोटा सा दिख रहा होगा, यही है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है यह किस सागर में है, तो अरब सागर में है। देखो इस साइड अरब सागर है, इस साइड आपका बंगाल की खाड़ी है, नीचे में हिंद महासागर है। तो देखो लक्षद्वीप किस सागर में है, अरब सागर में, और प्रवाल भित्तियों द्वारा यह निर्मित है। लक्षद्वीप में कुल द्वीप कितने हैं, 36। आप जरा बता दो अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो एंड्रोट है। एंड्रोट द्वीप दोस्तों लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकाय। भाइयों लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मिनिकाय। लक्षद्वीप हवाई अड्डा जो है वो अगाती द्वीप पर स्थित है। देखो पिटली द्वीप दोस्तों कहां पर है, तो लक्षद्वीप में ही है पिटली द्वीप। और 8 डिग्री चैनल जो आपका है वो मालद्वीप और मिनिकाय को अलग करती है। मालद्वीप और मिनिकाय को के बीच कौन सा चैनल है, 8 डिग्री चैनल, और 9 डिग्री चैनल जो है वो कवारती और मिनिकाय के बीच है।
कवारती लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। तो कवारती और मिनिकाय के बीच दोस्तों, कवारती यहां पर देख लो इमेज पे, तो कवारती और मिनिकाय के बीच दोस्तों कौन सा चैनल है 9 डिग्री 8 डिग्री मालद्वीप और मिनिकाय के बीच है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट है, यहां पर मैप में एंड्रोट है भाइयों। दूसरा है मिनिकाय मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। तो मेरे लाल एवं लालियो हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के सितार और तानपुरा, हाल ही में किस राज्य के सितार और तानपुरा को GI टैग दिया गया है। तो महाराष्ट्र का सितार है वाद्य यंत्र दोस्तों, और तानपुरा है जिसे GI टैग दिया गया है। सर्वप्रथम GI टैग जो दिया गया था मेरे दोस्तों, ये 2004 में दिया गया था। और याद रखना भाइयों, दार्जिलिंग के चाय पत्ती को सबसे पहले GI टैग दिया गया था। अब देखो दोस्तों, तो गुजरात में कौन सा नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे लाल एवं लालियो, तो ये गुजरात में है। देखो कर्नाटक में दोस्तों कौन सा नेशनल पार्क है, तो कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में। और मध्य प्रदेश में है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है मेरे लाल एवं लालियो, तो ये मध्य प्रदेश में है मेरे भाइयों। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले महाराष्ट्र टॉपिक को देखते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई है। और यहाँ के गवर्नर है रमेश बैस। यहाँ के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे। और राज्यसभा यहाँ पर 19 है, लोकसभा 48 है। इससे पहले मैंने आपको पंजाब के बारे में बताया, असम के बारे में बताया दोस्तों। असम में कितना है, असम के बाद भाइयों मैंने बताया था तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना में 7 और 17 है, असम में 7 और 14 है, और पंजाब में 7 और 13 है। राज्यसभा लोकसभा महाराष्ट्र में कितना है मेरे भाइयों, तो महाराष्ट्र में 19 और 48 है। इतने राज्यों का मैंने राज्यसभा और लोकसभा आज आपको याद करवाया। तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्य जीव अभ्यारण, गढ़चिरौली वन्य जीव अभ्यारण, मुक्ताई भवानी वन्य जीव अभ्यारण किस राज्य में है, तो याद रखना महाराष्ट्र में है। अब महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। देखो मुंबई में है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हेडक्वार्टर। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ है, मुंबई में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। और केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है, नागपुर में। कपास नागपुर, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का HQ हेडक्वार्टर है मुंबई में, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है। दोस्तों देखो, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। तो आप जरा बता दो मेरे लाल एवं लालियो कि भारतीय मौसम वेधशाला तो पुणे में है, तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान क्या है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। इंडियन सेक्रेटरी प्रेस का हेडक्वार्टर पुणे में है भाइयों। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है, तमिलनाडु के रामेश्वरम में किया गया है। भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इनके द्वारा जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अब ICG के महानिर्देशक कौन है, मैंने कई बार बताया है आपको चेयरमैन वाले सूची में, तो आप बताओ इसके बारे में कमेंट बॉक्स में। अब देखो हम तीनों सेना के बारे में जानेंगे। भारतीय सेना के प्रमुख है जनरल मनोज पांडे और सेना दिवस 15 जनवरी। नौसेना के प्रमुख है एडमिरल R.हरि कुमार और नौसेना दिवस 4 दिसंबर। भारतीय वायुसेना के प्रमुख है V.R. चौधरी और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, जनरल अनिल चौहान है। देखो तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, R.N. रवि है तमिलनाडु के गवर्नर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, M.K. स्टालिन भाई। कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री, M.K. स्टालिन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। और यहाँ पर राज्यसभा 18 है और लोकसभा कितना है, 39। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है, किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है, पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है भाइयों। मेटूर बांध कावेरी और पिल्लूर बांध दोस्तों किस नदी पर है, भवानी नदी पर है लाल एवं लालियों मेरे। अब देखो दोस्तों, वेदांत गल अभ्यारण, इंदिरा गांधी अभ्यारण,
सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलई अभयारण्य, मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। मेरे भाइयों, स्टैटिक आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा है। मैं आपको करेंट अफेयर के साथ स्टैटिक भी करवाता हूँ। अब ये मत सोचो कि स्टैटिक महत्वपूर्ण नहीं है। जब आप एग्जाम दोगे तो आपको खुद फील होगा कि हाँ, मैंने कितनी गलती की स्टैटिक को छोड़ करके या फिर करंट अफेयर को छोड़ करके। ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा है। देखो, कुंडल कुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? कुंडल कुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। मेरे भाइयों, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। चेन्नई में है चेपक स्टेडियम। चेपक स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में होती है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है दोस्तों, और चेपक स्टेडियम भी चेन्नई में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर में। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोलते हैं। और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है मेरे लाल एवं लालियों? तो कलबक्कम में है। स्थापना कब हुई? 1971 में हुई। कब हुई इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना? 1971 में हुई। भाइयों, मेरे भाइयों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने AI सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने दोस्तों समझौता किया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने, ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है। लंदन है टेम्स रिवर के किनारे। कौन सा रिवर दोस्तों? साथ साथ बोलो, टेम्स रिवर। भाइयों, लंदन टेम्स रिवर के किनारे है। और याद रखना, ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। ब्रिटेन की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है। और ब्रिटेन के PM कौन है? ऋषि सुनक है दोस्तों, भारतीय मूल के PM है यह ऋषि सुनक, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन है। वॉशिंगटन में WHO का हेडक्वार्टर है, IMF का हेडक्वार्टर है, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में। और यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, और उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? कमला हैरिसन है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जर्मनी की बर्लिन है दोस्तों। जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ एस्कोच। ओलाफ एस्कोच जर्मनी के चांसलर है। भाइयों, मेरे भाइयों, अब हम जानेंगे दोस्तों अमेरिका के बारे में। याद रखना, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। सबसे छोटी नदी कौन सी है? डी नदी। अमेरिका में बहती है दुनिया की सबसे छोटी नदी। संविधान निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन है? अमेरिका है। नील एंगस्ट्रॉम जाने वाले थे चंद्रमा पर प्रथम व्यक्ति 1969 में। दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गोल्डन रॉड। और 49वीं समांतर रेखा जो है, ये अमेरिका और कनाडा के बीच है 49वीं समांतर रेखा। मैंने अभी आपको चार बॉर्डर लाइन बताई। पहला मैंने बताया मैकमोहन रेखा, जो भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। उसके बाद मैंने बताया आपको डुरंड रेखा दोस्तों, ये है आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। और चौथा मैंने बताया 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है मेरे दोस्तों। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी अमेरिका का है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा गया है सैन फ्रांसिस्को को। किसे कहा गया है? सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को। और गुगनचुंबी का इमारत नगर न्यूयॉर्क को कहा गया है। ये दोनों अमेरिका का ही शहर है। भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के जॉन टोनी सुवर्ड दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं? ये 111 वर्ष के पुरुष है दोस्तों। बने हैं कर लेना, बनी है नहीं। तो दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गए हैं? 111 वर्ष वाले बने हैं दोस्तों, जॉन टीनी सुवर्ड। दोस्तों इससे पहले थे 114 वर्ष वाले, उनका नाम था बिसेंट पेरेज मोरा। इनकी मृत्यु हो गई। जुआन बिसेंट पेरेज मोरा की मृत्यु होने के बाद अब बन गए दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति जॉन टीनू सुवर्ड दोस्तों। अब याद रखना दोस्तों, ये किस देश के हैं यह पूछा गया है। तो यह जो आपके हैं वो इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं? यूनाइटेड किंगडम के हैं। भाइयों, अब यूनाइटेड किंगडम के हैं। मैंने तुरंत बताया था आपको यहाँ की राजधानी क्या है। राजधानी लंदन है। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। PM है ऋषि सुनक। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है मेरे भाइयों। भाइयों, हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में किसे नए वित्त आयोग सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? नए वित्त आयोग सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पंडा को नियुक्त किया गया है दोस्तों, मनोज पंडा को। अब भाइयों देखो, नजमी वजीरी, मैंने कल ही बताया था आपको कि दिल्ली में जो जंगल है उसकी सुरक्षा का, उसकी सुरक्षा में जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के प्रमुख जो बने हैं वो बने हैं नजमी वजीरी। भाइयों,
अब देखो मात्र मैं आज 5 या 6 बताऊंगा आपको महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष, जैसे भारतीय पैरा ओलंपिक के हैं देवेंद्र झरिया। कौन है दोस्तों? देवेंद्र झरिया है भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। टाटा इंटरनेशनल के नए CMD कौन बने? राजीव सिंघल। दिल्ली के जंगलों की सुरक्षा के लिए समिति का प्रमुख बनाया गया है नजमी वजीरी को। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन बने? जयश्री दास वर्मा बने। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए CMD कौन बने? संतोष कुमार झा। और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बनी? नई प्रमुख कौन बनी? तो शेफाली शरण बनी है दोस्तों। कौन बनी? शेफाली शरण दोस्तों। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज दोस्तों 10 अप्रैल है, मैंने जो 9 अप्रैल को बताया था करंट अफेयर, उसका जरा एक बार दोस्तों एक झलक उसकी देख लेते हैं दोस्तों। तो देखो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 7 अप्रैल को। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? UAE करेगा। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। त्रि सेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली के जंगलों की सुरक्षा के लिए समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया नजमी वजीरी को। नजमी वजीरी को हाल ही में दक्षिण चीन सागर में अमेरिका, जापान, फिलीपींस और किस देश ने समुद्री सहकारी गतिविधि को आयोजन किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, मेरे लाल देखो, हाल ही में अश्विनी वैष्णव के द्वारा कहां भारत का पहला स्वदेशी हाई स्पीड राउटर लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में। और हाल ही में किस राज्य के लिए केकरी अदरक को GI टैग दिया गया? तो अरुणाचल प्रदेश के केकरी अदरक को GI टैग दिया गया है। पीटर पेलेग्रिन किस देश के राष्ट्रपति बनेंगे? स्लोवाकिया के बनेंगे। दोस्तों देखो, अब दोस्तों मैंने 3 प्रश्न प्रत्येक दिन वीडियो के एंड में पूछता हूँ। पिछले बार का जो हमारा प्रश्न था वो था किस शहर के प्रसिद्ध साजी क्राफ्ट को GI टैग दिया गया? मथुरा। हाल ही में किस देश की शोधकर्ताओं ने पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर नीचे सबसे बड़े महासागर की खोज की है? अमेरिका। और म्यांमार में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अभय ठाकुर को नियुक्त किया गया है। आज का मेरा 3 प्रश्न है जिसका जवाब आपको सबको देना है कमेंट बॉक्स में भाइयों। हमारा प्रश्न पहला है, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जापानी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता 2024 वाला? और त्रि सेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इस 3 प्रश्नों का जवाब मेरे लाल एवं लालियों आपको देना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक कहाँ है? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।